ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। एक ऑरेंज का बगीचा है और आपको जो है ऑरेंज तोड़ने हैं। उस बगीचे के सामने तीन गेट्स हैं जिसके थ्रू आपको गुजरना होगा। हर एक गेट पे एक चौकीदार है और चौकीदार की शर्त बहुत सिंपल है कि आप जब उस गेट पे पहुंचोगे तो आपके पास जितने ऑरेंज हैं आप उसमें से आधा उस चौकीदार को दे दोगे और एक और एक्स्ट्रा दोगे, तो फाइनली आप, और ऐसे ही आपको तीनों चौकीदार से होते हुए गुजरना है। आप अंदर गए, कुछ फल तोड़े, यहां पे आए, आप इसको आधा दोगे और एक और एक्स्ट्रा दोगे, फिर आधा दोगे, एक और एक्स्ट्रा दोगे, फिर आधा दोगे और एक और एक्स्ट्रा दोगे। और अगर आपके पास फाइनली आप चाहते हैं कि 10 ऑरेंज बचे तो आप कितने ऑरेंज तोड़ोगे? तो इसको हम थोड़ा अलजेब्रिक फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं और हम इसको दो तरीकों से करेंगे। और ये प्रॉब्लम बहुत ही, आई थिंक इट्स अ वेरी फेमस प्रॉब्लम ऑल्सो। इसके बहुत वेरिएशंस हैं जहां पे गेट ज्यादा हो जाते हैं और आप वो डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो भी चेंज कर सकते हो कि आधे की बजाय 1/3। सो ऑल कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, बट एक बार आपको इसका तरीका समझ में आएगा तो यू कैन सॉल्व ऑल काइंड ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो हमने थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर दिया है। यहाँ पे गार्डन है, चौकीदार नंबर 1, चौकीदार नंबर 2 एंड चौकीदार नंबर 3, ओके, और लास्ट में आपके पास बचे हैं 10, ओके। सो नाउ हाउ शुड वी सॉल्व दिस? ओके, लेट्स से दैट अगर आपने एक्स तोड़े तो जब आप पहले के पास आओगे तो आपके पास कितने बचेंगे? x2/2 - 1, क्योंकि आपने आधा उसको दिया और एक और एक्स्ट्रा दे दिया। जब आप इधर आओगे तो x/2 - 1 - 1, क्योंकि जो आपके पास बचा है उसका हाफ और वापस माइनस वन। और ये अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर दे तो x/4 - 1/2 - 1, विच इज x/4 - 3/2। अब आप जब वापस थर्ड पे आओगे तो ये कितना होगा? ½ x/4 - 3/2 - 1, एंड दैट विल बी x/8 - 3/4 - 1, एंड दिस बिकम्स x/8 - 7/4। और ये किसके बराबर है? इक्वल टू 10। और ये आपका हो जाएगा x/8 - 14/8 = 10, यानी कि x = 80 + 14, यानी कि 94। तो अगर हम इसे देखें तो पहले उसमें आप 94 से यहां निकले, आपने दूसरे वाले को कितना दिया? 47 दिया, इसका हाफ किया और एक और दिया, तो आपके पास रह गए 46। जब आप इधर पहुंचे आपने इसको दिया 23 और एक और दिया, तो आपके पास रह गए 22। और जब आप इधर पहुंचे तो आपने इसको दिया 11 और एक और दिया, तो आपके पास रह गए 10, जो कि इसके बराबर है। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस। इसको हम एक और दूसरे तरीके से करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आप इसको कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हो। तो हम इस एक्सप्रेशन को दूसरे तरीके से बिल्ड करते हैं। आपको पता है आपके पास 10 है, तो आप क्या करोगे? पहले वाले को जो आप दोगे, जो अब आप इसको एक जैसे बोलते हैं ना, मूवी को पीछे की ओर, वीडियो को उल्टा चलाओ, तो आप उससे एक वापस लो 11, इसका डबल करो 22, फिर इधर जाओ 23, इससे फिर वापस इसका डबल करो 46, फिर उसको दो 1, बेसिकली उससे लो 47 और फिर उसका डबल करो 94। तो आपका ये जो 94 है, जो हमारे पिछले हमने जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से किया था तो भी हमें 94 मिला था, और हम जब इस तरीके से गए तो ये भी 94 मिला। बट जो चीज आपने इंटरेस्टिंग नोट की होगी कि अगर हमने यहां से यहां की ओर गए तो हमें काफी सारी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी, बट हमने जब इस क्वेश्चन को दूसरे साइड से अप्रोच किया नोन से, तो ये काफी आसान हो गया सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो ये भी जब आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको किस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हो। That sometimes makes the formulation of the problem statements and the solution steps much, much simpler. So I'll stop here. Hopefully you liked it. Do share and subscribe, and I'll see you in the next video.